हाय फ्रेंड्स, मैं अंकिता आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो, जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि अगर हैं आप बिगनर्स और आपको है मेकअप का शौक, आप चाहते हैं कि आप फटाफट से कोई ना कोई मेकअप एक क्रिएट कर सकें, बट आपको यही कन्फ्यूजन होती है इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को देखकर कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें, या लेते वक्त ये मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं। तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, मैंने ये वीडियो बनाई है स्पेशली आपके लिए। और मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ बोली भी थी कि ऐसी कोई वीडियो डालें जिसके अंदर मैं बता सकूं कि अगर आप बिगनर्स हैं और आपको, या फिर आपको थोड़े से अमाउंट के अंदर मेकअप चाहिए, ना कि बहुत सारे अमाउंट के अंदर, तो ऐसे कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं ख़रीदने के लिए। अगर आप एक छोटा सा मेकअप लुक या फिर एक अच्छा सा मेकअप लुक उन्हीं मेकअप प्रोडक्ट से क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कोशिश करूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, छोटी सी टाइम के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ले चलती हूँ आपको अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चीज़ जो ज़रूरी होती है मेकअप करने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, वो होती है एक मॉइस्चराइज़र क्रीम। तो अगर आप कोई भी मेकअप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, या आप मतलब कैसे भी स्किन टाइप के हैं, तो आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना तो बनता है, क्योंकि अगर हम अपने फेस को पहले से ही मॉइस्चराइज कर देंगे तो जो भी मतलब थोड़े बहुत ही अमाउंट में जो केमिकल्स वगैरह हैं, या कैसे भी केमिकल्स जो कॉस्मेटिक के अंदर मिक्स होते हैं, वो आपके स्किन को हार्म नहीं पहुँचाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है वो है मॉइस्चराइजर क्रीम। जैसे कि मैं मेरे पास जैसे कि ये वाली है ओरिफ्लेम की मिल्क एंड हनी, आप चाहें तो आप प्लम की ग्रीन टी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, वो बेस्ट होती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत ही अच्छा सा मैटिफाइड लुक वो आपको देती है। और कोशिश करें कि कोई भी अगर आप मतलब अगर आप मॉइस्चराइजर क्रीम लेते हैं तो वो आपके चेहरे को एक मैटिफाइड लुक दे, ना कि मतलब ऑयली आपकी स्किन को बने। उसी चीज़ की बारी, तो दूसरी चीज़ जो है वो है आपका फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मस्ट है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं लाइक शादी टाइप या फिर कोई पार्टी टाइप, तो आपको फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसे चूज़ करने के लिए आप सबसे पहले एक चीज़ देख सकते हैं कि आप तो सबसे पहले आप अपने स्किन का टाइप देखिए, दूसरी चीज़ आप अपने स्किन का शेड देखिए, एंड तीसरी चीज़ आप एकदम बिलो ना जाएँ रेंज के, और ना एकदम आप एकदम हाई उसमें चले जाएँ। आप एक ड्रग स्टोर का प्रोडक्ट लीजिए, जैसे कि एक ये है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मींस आपके फेस को एकदम मतलब एकदम जो होता है एक स्मूथनेस देगा, ज़्यादा पैचीनेस नहीं बनाएगा, और ये अंडर आपके 500 आपको इजीली मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे अमाउंट के अंदर इसको ये आपको मिलता है, ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आप मेबलिन के स्टोर पर जाते हैं तो आपको वहाँ से मिल जाता है, और इसके अंदर काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल है, तो आप लोगों के लिए इसे चूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। तीसरी चीज़ जो है वो है ये ब्रशेस। अब आप कहेंगे कि हम फिंगर से भी तो काम चला सकते हैं, हम फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से, तो आप सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई भी एक ब्रशेस का सेट ले लीजिए। जैसे कि मैंने इसका एक बार एक रिव्यू दिया था कि मैंने शीन से ब्रशेस मंगवाए थे, इसके अंदर मुझे ये ब्लेंडिंग ब्रश मिले थे छोटे वाले, और इस तरीके के ये मेरे को फ्लैट ब्रश वगैरह, और ये आपका इस तरीके से एंगल ब्रश वगैरह, मुझे ये सारी चीज़ें मिली थी, और काफ़ी अच्छे मतलब अफोर्डेबल अमाउंट के अंदर मिली थी, मतलब अंडर 300-400 भी आपको ये मेकअप ब्रशेस इजीली मिल जाएंगे ऑनलाइन पे। आप इंस्टाग्राम के किसी भी स्टोर पे आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी मतलब जैसे शीन पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अमाउंट में, अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट के अंदर आपको ये मेकअप ब्रशेस मिल जाएंगे। अगला प्रोडक्ट हमारा जो है वो है हमारा ये। अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये एक स्टिक है जिसके अंदर आपको एक साइड कॉन्टो और एक साइड आपको कंसीलर दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो कोशिश करें कि आप इसी तरीके की कोई स्टिक आप परचेज करें, जैसे कि ये है आपकी मार्स की कॉन्टो 3D बाम। तो मतलब ये आपका 2-in-1 काम करेगी, आपको कॉन्टोरिंग स्टिक भी मिलती है और आपको यहाँ पे एज ए कंसीलर भी मिलता है। इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, जैसे मेरे पास ये 3 शेड है, ये मैंने इंस्टाग्राम के स्टोर से खरीदी थी। तो इजीली आप इस तरीके की कोई भी अगर आप कॉन्टोर शेड वगैरह खरीदते हैं तो आप एकदम हाई रेंज पे ना जाके आप इस तरीके का खरीद सकते हैं। ये आई थिंक मेरे को पड़ी थी अंडर 200 और अंडर 300। प्रोडक्ट है वो तो ऐसा प्रोडक्ट है कि मतलब अगर हम मेकअप करते हैं और आज के टाइम के अंदर इसके बिना तो मेकअप ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो वो हमारा मेकअप प्रोडक्ट है ये, वो है आईलाइनर। तो ये मैंने आईलाइनर लिया है यहाँ पे ओरिफ्लेम का वेरी मी,
आप मतलब वो आपका आईलाइनर ले सकते हैं, आप ये ओरिफ्लेम का परचेज कर सकते हैं, या मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। स्टेक क्वर्की का आप आईलाइनर ले सकते हैं, वो इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है, मीन्स आपको अंडर 150 या मतलब उस पर तो ऑफर्स चलते ही रहते हैं। आप purple.com पे जाइए, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। मीन्स आप इस तरीके का कोई आईलाइनर ले सकते हैं स्टार्टिंग में। ये स्मच प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और इजीली ये 2-in-1 भी काम करते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो। जैसे कि ये लाइनर का काम तो करेंगे करेंगे, साथ ही साथ ये आपके काजल का भी काम कर देते हैं। अगर आप थोड़े से जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, आपने जैसे ब्रश लिया, आप आप इस तरीके से करके आप काजल भी मतलब काजल की तरह भी यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मतलब कॉम्पैक्ट। आप कोई भी कॉम्पैक्ट लीजिए, बट कुछ कॉम्पैक्ट हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि ये तो हमारे पास होने ही चाहिए। जैसे कि ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट A1, आप स्टील का कॉम्पैक्ट ले सकते हैं A1। मीन्स ये छोटे से कॉम्पैक्ट आप अपने डालिए बैग के अंदर। अब जो चीज़ है वो है हमारी ये लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए आप कहेंगे कि ये वाली लिपस्टिक ही क्यों, ये लिक्विड लिपस्टिक है, सॉफ्ट मैट लिपस्टिक है। आप कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में आप नॉर्मल जैसे लाइक आप मॉइस्चराइजर वाली क्रीम मतलब लिपस्टिक ना यूज़ करें। आप बेसिकली इस तरीके की लिक्विड वाली सॉफ्ट मैट लिपस्टिक यूज़ करें। सबसे पहली चीज़ ये लगाने में बहुत ज़्यादा ईजी होती है। दूसरी चीज़, आप इसे एज ए ब्लशर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इस वक्त मैंने वो किया हुआ है। तीसरी चीज़, अगर आप इसे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहेगा कि ये फैल रही है, या फिर मतलब समझ रहे ना आप, मतलब ऐसा नहीं रहेगा, पैचीनेस नहीं नज़र आएगी। और आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी। जैसे ये है, ये मुझे अब तो 500 की रेंज पे मिलने लग गई फ्लिपकार्ट वगैरह या फिर नायका वगैरह पे। और आप ऐसी बहुत सारी मतलब ऐसी लिपस्टिक आ गई हैं अब तो मार्केट के अंदर, लाइक किस ब्यूटी की आ चुकी है, मियोन की आ चुकी है, किस प्रूफ की, मतलब बहुत सारी ऐसी लिपस्टिक्स हैं, लिक्विड लिपस्टिक जो मार्केट में आ गई हैं, बहुत ज़्यादा इजीली अफोर्डेबल होती हैं और आप परचेज कर सकते हैं। अब लास्ट प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब वो है ये है आपका सेटिंग स्प्रे। अब आप कहेंगे कि सेटिंग स्प्रे की क्या ज़रूरत है, हम तो बिगनर्स हैं, हम तो थोड़ा बहुत मेकअप लगाएंगे उसी से काम हो जाएगा। तो आप थोड़ा मेकअप लगाएं, या आप ज़्यादा मेकअप लगाएं, या आप पार्टी के लिए मेकअप करें, या फिर आप डेली बेस के लिए मेकअप करें, अगर आप लास्ट में थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे स्प्रे कर देते हैं, तो क्या आप थोड़े अमाउंट का भी मेकअप करेंगे तो वो भी सेट हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा अच्छे अमाउंट में मेकअप करेंगे तो वो भी सेट हो जाएगा। ओवरऑल ये है कि इसे स्प्रे करने से आपका मेकअप काफ़ी अच्छे टाइम के लिए सेट हो जाता है। और अगर आपने थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि आपने ऐसा मेकअप यूज़ कर भी लिया है कि जो इधर उधर स्मच हो सकता है, तो वो अपनी जगह पे बना। हो गई है हमारी ये वीडियो, और मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट हैं मस्ट होते हैं आपके बैग के अंदर होना, बिगनर्स हों और जो मेकअप लवर हैं वो, उनके पास तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट स्पेशली फॉर बिगनर, उनके लिए ये प्रोडक्ट उनके पास होना ज़रूरी है अगर वो मेकअप से प्यार करते हैं और अच्छा सा एक लुक क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप इजीली ये सारे प्रोडक्ट अपने पास रखिए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए स्टार्टिंग में, बस इतने छोटे छोटे प्रोडक्ट और अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट आप अपने बैग के अंदर रखिए, ताकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद आती है तो आप उसकी जगह कोई और परचेज कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा इरिटेशन भी नहीं होगा कि ओ गॉड मैंने ये ख़रीद लिया, अब ये नहीं पसंद आ रहा है तो अब मैं ये लूँ, मैंने इतना ज़्यादा कॉस्टली अमाउंट में ले लिया। तो हमेशा मेकअप खरीदते वक्त ये ध्यान रहे कि चीज़ अच्छी हो, बजट में हो और आप भी अच्छी लगे। तो मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर और कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके संग शेयर करूँ, तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो के बारे में। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।